नमस्ते दोस्तों, आज हम एकदम अलग तरीके से लौकी की सब्जी बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए चने की दाल और चावल को भिगो दिया था। जैसे 2 मुट्ठी चने की दाल लेना है तो 1 मुट्ठी चावल लेना है। जैसे कि 1 किलो लौकी हो तो 2 मुट्ठी दाल और 1 मुट्ठी चावल लेना है और इसको भिगो देना है। अच्छे से फूल जानी चाहिए दाल और चावल। अब थोड़ा सा लहसुन डाल देते हैं और हरी मिर्ची डाल देना है, जीरा डाल देना है। अब इसको पीस लेना है। इसको दरदरा ही पीसना है, बहुत महीन नहीं पीसना है। इसमें पानी नहीं डालना, ऐसे ही पीस लेना है। बहुत आसानी से पीस जाता है ये। इसको मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे की पीसी दाल बहुत टेस्टी लगती है सब्जी में। अब थोड़ी सी अदरक डाल देना है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है सब्जी का। देखिए बहुत आसानी से पीसी जा रही है दाल। इस सब्जी को हमारे यहाँ बरहाई वाली लौकी कहते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, अलग तरीके का टेस्ट आता है इसमें। एक बार ज़रूर बनाइएगा। देखिए हमने दाल पीस लिया है। ये सब्जी चावल के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है। इस सब्जी को बनाएंगे तो दाल की जब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही ये सब्जी अच्छी लगती है। देखिए लौकी को छील के काट लेना है। इसमें बीजे थोड़े से बड़े थे इसलिए निकाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। अगर आप लोग बॉयल नहीं करना चाहते तो इसमें नमक डाल के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, नरम हो जाएगी लौकी, तब बनाइए, तब भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी का। अब थोड़ा सा नमक डाल देना है और हल्का सा बॉयल कर लेना है। लौकी 2 मिनट में ही बॉयल हो जाती है। देखिए लौकी पक चुकी है, बस इतनी ही पकाना है। अभी ये जो कसर होगी वो सब्जी में पक जाएगी। अब इसको निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। इसके पानी को भी पी सकते हैं, ये बहुत पौष्टिक पानी है। या फिर आटा गूंथ सकते हैं। अब इसको रख देना है, ठंडा कर लेना है। अब इसमें वही दाल चावल डाल देना है और मसाले डाल देना है। मसाले में हल्दी पाउडर डाल देना है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। बहुत मसाले नहीं डालेंगे। अब 1 चम्मच नमक डाल देना, नमक पहले भी डाला था। अब अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर देना है। थोड़ी सी हींग डाल देना है, बेसन वाली सब्जी में हींग बहुत ज़रूरी रहती है। अब अच्छे से मिक्स कर देना है। एक बार ये सब्जी बनाएंगे तो हमेशा ही बनाना चाहेंगे। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस सब्जी को, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको बना लेना है। उसके लिए एक लोहे की कढ़ाई ले लेना है और सरसों का तेल डाल देना है। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाना है तभी टेस्टी बनती है ये, और सरसों के तेल में भी बनाना है। अब जीरा डाल देना है, जीरा को अच्छे से पका लेना है और सब्जी को डाल देना है। अब अच्छे से चला देना है। इस सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है क्योंकि बेसन पकना रहता है। अगर बेसन कच्चा रहेगा तो सब्जी का टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही लगता है, तभी सब्जी टेस्टी बनती है ये। अब अच्छे से चला देना है। इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनती है। अब इसको ढक देना है, धीमी आंच पे ही पकाना है, जिससे बेसन और चावल अच्छे से पक जाता है। अब फिर चला देना है। देखिए नीचे से थोड़ा सा पकने लगा है, इसलिए बीच बीच में चलाते जाना है। अब फिर ढक देना है इसको। 2-2 मिनट के लिए ढकना है और पकाना है। अब फिर चला देना है। हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, नहीं तो जल जाएगी सब्जी। देखिए अच्छे से खर होने लगी है सब्जी। इसको खर करना बहुत ज़रूरी है, तभी टेस्ट आता है। अब फिर ढक देना। अभी बेसन थोड़ा सा कच्चा दिख रहा है। अब फिर चला देना है। बेसन पक चुका है, अब इसको खोल के पकाना है, जिससे खर हो जाएगी सब्जी। इसको खर करना बहुत ज़रूरी है, तभी टेस्ट आता है सब्जी का। देखिए खोल के इस तरह से पका लेना है और बीच बीच में चलाते जाना है।
चावल पड़ने से क्रिस्पी हो जाती है सब्जी, तभी टेस्ट आता है। देखिए अच्छे से लाल लाल भुन चुकी है सब्जी, इसको रसेदार भी बना सकते हैं। जैसे आधी सब्जी निकाल लीजिए, सूखी बना लीजिए, आधी में थोड़ा सा गर्म पानी डाल के थोड़ा सा नमक और मिर्ची मिला दीजिए तो रसेदार सब्जी बन जाएगी, तो बहुत टेस्टी लगती है। सूखी सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है, इसको ऐसे भी खा सकते हैं बिना चावल रोटी के, ऐसे ही खाने में अच्छी लगती है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।